मैंने जैसे बताया कि कोविड जो बिहेवियर है वो लोगों में नहीं है। लोग जो पालन है, दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग लापरवाह हो गए हैं, लोगों में डर नहीं है, ये मुख्य कारण है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो एक एसोसिएटेड कारण हम समझ पा रहे हैं कि जो हवा की क्वालिटी है, एयर पोल्यूशन है, वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जो वायरस है ज़्यादा समय हवा में रहता है और ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो पोल्यूशन इज़ वन फैक्टर, फेस्टिवल सीजन इज़ अनदर फैक्टर, ओवर क्राउडिंग इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू दिस मोर नंबर्स। नंबर डेफिनेटली बढ़े हैं क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास दिल्ली में पूरे नॉर्दर्न स्टेट से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, इसलिए मार्केट ओवरक्राउडेड है। आपने देखा होगा सदर बाजार है, सरोजिनी नगर है, लाजपत नगर है, कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से डेफिनेटली रिस्क जो चेन है ट्रांसमिशन की वो बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। दिल्ली में सिचुएशन पहले पीक आई, उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल आई, लेकिन पिछले करीब यू कैन से दैट महीने से सिचुएशन काफी गड़बड़ हुई है, जब जिसमें कि जो कि अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव है। इसका प्राइमरी रीजन, मेन रीजन इसका है कि जो हमारा जो फेस्टिवल सीजन आ गया, जिसमें कि दिवाली, उससे पहले दशहरा, फेस्टिवल सीजन के टाइम पे लोग बाग मार्केट में जा रहे हैं परचेजिंग करने के लिए, और हम जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कोरोना के बचने के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, वो जो अगर मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में देख रहे हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा है, पर एटलीस्ट मास्क पहने। वहां पर देखा जा रहा है कि जो पब्लिक जा रही है वो भी मास्क प्रॉपरली नहीं पहन रही है, और कई बार देखा गया कि दुकानदार जो हैं, जो उनके जो वर्कर्स हैं, वो भी प्रॉपरली मास्क को नहीं पहना हुआ। तो एक हम एक आमंत्रण दे रहे हैं कोरोना को।